भाई ये है हीरो की ग्लैमर 125। इस बाइक का मैंने इंजन ऑयल चेंज किया, साथ में कस्टमर भाई बोल रहे हैं कि पेट्रोल भी ज़्यादा पी रहा, तो पेट्रोल भी कम कर दो, माइलेज सेट कर दो, माइलेज कम दे रही गाड़ी। तो मैंने इसका स्पार्क प्लग खोल के देखा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने स्पार्क प्लग भी इसमें मतलब नया लगा हुआ है एनजीके कंपनी का, और ये बड़े चूड़ी का इसमें स्पार्क प्लग लगता है। तो यहाँ पे जैसे स्पार्क प्लग का मुंह देखते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ब्लैक स्मोक जैसा दिखाई देता है। ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक धुआं से भरा हुआ है, तो इससे साफ पता चलता है कि पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है ये गाड़ी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पेट्रोल ज़्यादा जो पी रहा है इसको सही कैसे करना है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हमें इसका स्पार्क प्लग हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, स्पार्क प्लग हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर इसमें लगा देंगे, और हेड में कोई ऑयल वगैरह भी नहीं देना है। ठीक, ये बिल्कुल ओरिजिनल है एनजीके का। चलो इसे साफ करके फटाफट हम इसे लगाते हैं और फिर आपको उस साइड से दिखाते हैं कि एयर स्क्रू को कैसे सेट करना है। हम माइलेज को सेट यहाँ से करेंगे, साथ में हमें इसका अभी इसका एयर फिल्टर भी चेक करना है कि एयर फिल्टर गंदा है क्या है। ये है एयर स्क्रू, हम इसी को छेड़ेंगे, इसी को सेट करेंगे। हैं, तो यहाँ पे चौक भी नहीं लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि चौक में चल रही गाड़ी, बिना चौक में चल रही। जब अगर गाड़ी अगर आप चौक में चलाएँगे तो इससे भी पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है। तो खैर, इसका चौक बिल्कुल सही है, नीचे ही रहना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल में रहता है, जब ऊपर लगाएंगे तो ये चौक में लग जाएगा और पेट्रोल ज़्यादा पीने लगेगी। तो ये नीचे रहेगा, इसका फिल्टर मैं चेक करता हूँ। अब मैंने प्लग को साफ कर दिया, अब मैं इसे लगाते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इंजन को गर्म करना है, इसका हेड सिलेंडर गर्म करना है। तो वैसे पहले से ही गर्म है, थोड़ा और भी गर्म कर लेता हूँ। यहाँ से हम आरपीएम को बढ़ाएंगे, इंजन का स्पीड बढ़ाएंगे। हमने आरपीएम 3200 किया था और फिर एयर स्क्रू को हमने 4000 पे छोड़ा है, तो 4000 यानी कि 800 आरपीएम इसका ज़्यादा बढ़ा। जितने ज़्यादा आरपीएम पे आप इस एयर स्क्रू को छोड़ेंगे उतने ज़्यादा आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज देगी।
तो गाइस इसी तरीके से किसी भी बाइक का माइलेज सेट कर सकते हैं, चाहे 100 सीसी हो या 125 सीसी हो या फिर 150 सीसी हो, जो भी जिस बाइक में भी कार्बोरेटर लगा हुआ है तो इसी तरीके से माइलेज सेट होता है। चाहे आप आरपीएम टैकोमीटर के जरिए से सेट करें या फिर अंदाज़ा सेट करें, जहाँ पे इंजन का स्पीड ज़्यादा होता है वहीं पे आपको एयर स्क्रू सेट करना है। ठीक,